विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भदोही में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है। विभाग के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। मरीजों की निगरानी रैपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा किया जा रहा है। जिले में फिलहाल संदिग्ध मरीजों की संख्या 307 है। बता दें कि जनपद में बीते साल की अपेक्षा इस साल तेजी से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते साल जिले में 101 मरीज मिले थे, लेकिन इस साल अब तक 149 मरीज मिल चुके हैं। और आई सूर्यावा भदोही ब्लॉक क्षेत्र से 6 व्यक्तियों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आंकड़ों की बात करें तो बीते साल की अपेक्षा इस साल 48 अधिक डेंगू मरीज मिल चुके हैं। जिले में डेंगू के बढ़ते केस स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक तो 3 अक्टूबर से सभी गांव में जहाँ जहाँ मेरी आशाएं हैं, 7-7 दिन में लार्वी साइड रुके हुए पानी में छिड़काव कराया जा रहा है। और CSC BSC दोनों जिला अस्पताल, मतलब तीनों जिला अस्पतालों में रैपिड टेस्ट कराया जा रहा है। और जो लोग पॉजिटिव रैपिड टेस्ट में आ रहे हैं, उनका 24 घंटे के अंदर सैंपल CSC भदोही भेज करके एलाइजा टेस्ट कराया जा रहा है। अभी तक 149 केस एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और उनके गांव में, मोहल्ले में निरोधात्मक कार्रवाई जो की जाती है वो की गई है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जिलाधिकारी महोदय पिछले दिनों महाराज चेसिंग अस्पताल गए थे, तो जो 9 मरीज वहाँ भर्ती थे, ऐसे हमारी CSC भर्ती है। DM साहब ने जो है जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी को निर्देश दिया कि आप यहाँ जो आयुर्वेदिक की प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। तो डॉक्टर सरोज राम जी हैं, उन्होंने उपलब्ध करा दी हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनको एडमिट किया जा रहा है, जांच कराई जा रही है और मरीज सही होकर जा भी रहे हैं, उनको आयुर्वेद की दवा दी जा रही है। जिले में डेंगू से संबंध स्थिति जो है एकदम नियंत्रण में है। प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टर्स को मैंने निर्देश दे दिया है कि कोई रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन लोगों को पता है कि किन किन बीमारियों में बुखार में आता है, भयावह पैसे लूटने वाली स्थिति नहीं बनाएंगे। शिकायत मिल गई तो उनके खिलाफ़ भी मैं कार्रवाई करूँगा, उनका आप प्रॉपर इलाज करिए। डेंगू का कोई पर्टिकुलर ड्रग ऑफ चॉइस है नहीं, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है जनपद वासियों से, लगता है या जांच में आता है कि रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है, मुझे सूचना मिल जाएगी, ग्रुप में आ जाती है, कृपया करके नींबू का पानी, नारियल का पानी और जो तरल पदार्थ हैं जिससे शरीर में जीव सूखे नहीं, और मेरे स्तर से जिला मलेरिया स्तर अधिकारी के स्तर से सूचना मिलते ही उस गांव में हॉगिंग कराते हैं और वहां के जो गांव जमार में जहां पे नालियों में, घरों में पानी भरा हुआ है वो हटवा के और जहां भरा हुआ है वहां पे लार्वी साउंड का स्प्रे कराते हैं। इसमें ज़िले के जो माननीय प्रधान बंधु भी हैं वो भी इसमें सहयोग करें कि आशा के संपर्क में आएँ और जमा वाला जो पानी है उसमें लार्वी साउंड छिड़का जा रहा है उसमें सहयोग करें। स्थिति, मुझे विश्वास है कि स्थिति हमारी जिले की नियंत्रण में है और रहेगी।